तो फिर, इसके फिर उसके बाद मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी फिर उस पर कुछ सेंटेंसेज मैंने देखे फिर मैंने वोकेबलरी निकाली ये सारी प्रिपरेशन करके मैं क्लास में आने लगा अच्छा ये तो बेसिक है फंडामेंटल है इसके बगैर आप क्लास में उतर रहे हैं तो आप ज़्यादती कर रहे हैं ठीक है और अपने पैसे भी हलाल नहीं कर रहे हैं इट तो जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके हों तो उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए कि तो उसने कहीं ना कहीं से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वो अपने टीचर्स जो कहीं कहीं से पढ़ी थी उन टीचर्स के स्टाइल को याद करें कि यार इन्होंने मुझे प्रेजेंट डेफिनिट किस तरह से पढ़ाया था इन्होंने किस तरह से पढ़ाया था इन्होंने किस तरह से पढ़ाया था चाहे वो चार हों या एक हों अगर आपको वो अंदाज़ अच्छा लगा था उस अंदाज़ को आप क्या कर लो कॉपी कर लो उसी तरह से आप डिलीवर करो देखो टीचर बड़ा और छोटा इससे नहीं होता कि प्रेजेंट डेफिनिट का फार्मूला मुझे भी याद होगा आपको भी याद होगा बड़ा छोटा होता है डिलीवरी से कि मतलब आप किस तरह से पढ़ा रहेंगे तो पढ़ाने का अंदाज़ आपको एक को तो कॉपी करना पड़ेगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू थिंग इज़ दैट कि जैसे हमें सर सलमान ने बताया था फिर उसे हमने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया कि भाई जब मुझे अगले दिन इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेनी है ना तो सारा दिन ये सोचते हुए गुजरता था कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है मैं इसको पढ़ाऊँगा कैसे मैं इसको कैसे पढ़ाऊँगा कि ये ज़रा सा यूनिक हो जाएगा थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा मेक श्योर दैट कि लैंग्वेज हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर नहीं है और एजुकेशन है भी नहीं है तो लैंग्वेज है ठीक है बहरहाल प्रायोरिटीज़ नहीं है इसकी तो आपको क्या करना पड़ता है एक लैंग्वेज टीचर को अगर वो सात महीने में या छः महीने में अगर साठ क्लासेस ले रहा है ठीक है तो उसको साठ क्लासेस के अंदर उसका साठ अंदाज़ चाहिए सिक्सटी डेज होने चाहिए उसको पढ़ाने के इतना यूनिक जब आप बनेंगे तो फिर सर आपके पास स्टैंड आएँगे विगेनिंग पॉइंट हमेशा एक ही अंदाज़ एक ही तरीकाकार आप लेकर चलेंगे तो उसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा जिसमें आपने ड्रिलिंग भी शामिल करनी है जिसमें आपने पैरेटिंग भी करवाना है आपने पंगवो भी करवाना है आपने डिस्कशन भी करवानी है आपने कभी कभी एक्टिविटी भी करवा दिया कि भाई रेस्टोरेंट की एक्टिविटी है तो फला की एक्टिविटी है ठीक है तो उसके साथ फिर आपने कभी वो के ऊपर ड्रिलिंग करवा दी फिर तो उसके बाद कभी आपने डिबेट करवा दिया कभी आपने इंटरव्यू सेशन कभी जर्नलिस्ट बना दिया तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपने माइंड के अंदर लेकर आना होगा और जब आप इनोवेशन लेकर आएंगे तो वीक स्पीकिंग बता रहा हूँ कि बड़े से बड़े टीचर्स जो नहीं कर रहे होंगे बच्चे आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे और अगर वो कर रहे होंगे तो ठीक है वो कर रहे हैं बिल्कुल सही फाइन अप किया तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग के जिसने जहाँ पर रोका वो वहाँ पर रह गया ठीक है तो आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया लेकर आना होगा